अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3 पेज नंबर 53 क्वेश्चन नंबर 8। आज हमें क्वेश्चन नंबर 8 करना है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं तो आप अपनी किताब की तरफ ध्यान रखिए कि क्वेश्चन नंबर 8 असल में है क्या। द फॉलोइंग फिगर्स GUNS एंड RUNS आर पैरेललोग्राम्स। क्वेश्चन में दो पैरेललोग्राम्स है, हमें क्या करना है, फाइंड एक्स एंड वाई, हमें एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना। ओके, आप देख तो लीजिए, पार्ट नंबर 1 है ये। ये पैरेललोग्राम हम पहले बनाएंगे, ओके, जी यू एन एस। मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि पैरेललोग्राम असल में है क्या, पैरेललोग्राम में क्या होता है। देखो, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। हमारे पास गिवन जो पैरेललोग्राम है जी यू एन एस, इसमें गिवन दिया गया है जी यू जो साइड है 3y-1, ओके, ये एस एन जो साइड है ये 26 है, और जी एस जो साइड है वो 3x इसने गिवन दिया है, एन यू जो साइड है वो 18 इसने दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता है, हम जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स होते हैं वो बराबर होते हैं। हम इस क्वेश्चन को कैसे करें, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एक्स और वाई। ये जो ये एक्स है, एक्स का वैल्यू निकालना है, वाई का वैल्यू निकालना है। असल में ये जो अपोजिट साइड्स का मेजरमेंट जो हमें निकालना है, असल में हमें इन साइड्स अपोजिट साइड्स का मेजरमेंट निकालना है। यहां पर एक्स है और वाई है, वो खुद ब खुद आ जाएगा एक्स और वाई का वैल्यू जब हमें पता चले कि इन साइड्स की लेंथ क्या है, अपोजिट साइड्स की लेंथ क्या है, तो हमें खुद ब खुद एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा। देखो हम कैसे लिखे, फॉलो, वे अब बोर्ड की तरफ देख लीजिए। वी नो दैट द लेंथेस, शाबाश, लेंथेस ऑफ अपोजिट साइड्स, शाबाश, ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल टू ईच अदर। ओके, इसका मतलब ये हुआ जी यू किसके बराबर है, एस एन के बराबर। हम ऐसे लिखेंगे 3y-1 इज इक्वल टू ये साइड इस किसके बराबर है, 26 के बराबर है, जी यू एस एन के बराबर है। हम ऐसे लिखेंगे 3y इज इक्वल टू 26, ये लेफ्ट हैंड साइड में है 1, ये राइट हैंड में जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा, ये 3y ये क्या बन जाएगा 26 प्लस 1 इट इज 27, y का वैल्यू जो निकल आएगा 27 डिवाइड बाय 3, 3 वन जा 3, शाबाश,
थ्री नाइन 27, 9 डिवाइड बाय 1 ये आ गया 9। y का वैल्यू क्या आ गया, y का वैल्यू 9 आ गया। ओके देन देखो इसके बाद क्या करेंगे, जब हमें y का वैल्यू 9 आ गया, देखो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो दूसरा अपोजिट साइड है एंड दूसरा अपोजिट साइड है एस जी, एस जी किसके बराबर है, एम यू के बराबर है। एस जी किसके बराबर है, एम यू के बराबर है। एस जी का वैल्यू है 3x इज इक्वल टू एम यू का वैल्यू है 18 इंप्लाइज x इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 3, इसका 3 वन जा 3 शाबाश, 3 सिक्स 18 ये आ गया 6, x का वैल्यू क्या आ गया 6, हम ऐसे लिखेंगे हैंस शाबाश हैंस दे मेजर मेजर ऑफ x एंड y और एक का पहले का वैल्यू है y का 9, x का वैल्यू है 6 और 6 एंड 9 रेस्पेक्टिवली। ये पहला जो पार्ट था बहुत ही आसान पार्ट था, तो मैंने x और y का वैल्यू निकाला। ओके थैंक यू।